बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ब्लेंडर में मकड़ी का जाला स्पाइडर वेब बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐड ऑन चाहिए होगा, पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लें। यहाँ से क्लोन डाउनलोड के बजाय डाउनलोड जब फाइल कीजिएगा, तो डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ब्लेंडर में इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने का तरीका यह है कि एडिट प्रेफरेंसेस में चले जाएँ, एडवांस के अंदर जाएँ और फिर यहाँ पे इंस्टॉल को क्लिक करें। इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने डाउनलोड्स में आपको मिलेगा उसकी जो उसे फाइल है, उसमें उसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल एडवांस फ्रॉम फाइल क्लिक करें। मैंने पहले इंस्टॉल किया, वैसे जैसे जब इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे इस तरह वो आ जाएगा डब्ल्यू मैश। तो उसे यहाँ पे क्लिक कर लें ताकि वो एडवांस हम लोग इस्तेमाल कर सके। तो इंस्टॉल कर इनेबल करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो जब आप इनेबल कर लेंगे उसके बाद आप जब शिफ्ट ए दबाएंगे तो डब्ल्यू प्रिमिटिव्स आ जाएंगे। ये प्रिमिटिव्स आपके आम ये प्रिमिटिव्स की तरह नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। तो सब हमें स्पाइडर वेब के लिए चाहिएगा डब्ल्यू रिंग चाहिए होगा। तो इसकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर हम लोग इसके ये जो पैरामीटर्स हैं इसे 16 कर लेते हैं, हमें इतना ही चाहिए अभी के लिए। और थोड़ा ध्यान से डिटेल में दिखाने के लिए मैं वायर फ्रेम मोड में चला जाता हूँ। वायर फ्रेम मोड में देखें आपको मतलब समझ आ जाएगा। ये असल में मैंने कहा था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इसका जो कैप है फिर हम लोग वो इंक्रीज कर देंगे। स्केल कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कैप को इंक्रीज कर लिया हमने और उसके बाद फिर हम लोग मॉडिफायर ऐड करेंगे। वो मॉडिफायर होगा वायर फ्रेम मॉडिफायर। और इसे हम लोग एक कलर दे देते हैं, डिफॉल्ट वाइट है, ठीक है, स्पाइडर पर भी वाइट होते हैं, लेकिन जो उसकी थिकनेस है वो आप कम कर लें, 0.002 कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल मतलब जो पतला स्पाइडर वेब होता है आपकी अपनी मर्जी, आप ज़्यादा मोटा भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहते हैं मतलब सारी मतलब बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं होगा स्पाइडर वेब, तो उसके लिए पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा कन्वर्ट टू रेगुलर मैश। इसे करेंगे अब ये अब बिल्कुल आम मैश बन गया बाकी सारे पैरामीटर्स की तरह। फिर टैब दबा के एडिट मोड में चले जाएं और दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर लें और किसी एक को वर्टिसेस को क्लिक करें, जी से ग्रैब करें। और ये देखें जो सर्कल है ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ तक होगा। जितना मैं बढ़ा दूंगा उतना ज़्यादा देखें स्ट्रेच हो रहा है उठा नहीं। तो अब इसे इसका मैनिपुलेट करके अगर किसी दरख्त के ऊपर लगाना चाहते हैं, किसी दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, उस आप लगा सकते हैं। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही काफ़ी है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।